प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय गोपाल। आज इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं DLED सेकेंड ईयर का छठा पेपर, गणित शिक्षण, यूनिट 5, आंकड़ों का प्रबंधन, प्रायिकता तथा व्यावसायिक गणित। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं और ये प्रश्न बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनका हल मैं इस क्लास में बताने जा रहा हूँ। बने रहिए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए अपने मित्रों तक। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला आता है, आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। डाटा, आंकड़ों को इंग्लिश में कहते हैं डाटा। डाटा क्या होते हैं इसको एक्सप्लेन करना है। तो डाटा क्या है कि वे सूचनाएँ होती है, वे संख्याएँ होती है, वे समूह होते हैं जो क्या करते हैं, किसी को सूचना देते हैं। जैसे हमें जनसंख्या के आंकड़े लेने हैं, डाटा लेने हैं, तो हमें क्या है कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात, ये सब क्या है, डाटा है। यानी कि हम इसको व्यवस्थित, इसकी परिभाषा देखें तो आंकड़े संख्याओं के वे समूह होते हैं, यानी कि संख्याओं के समूह होते हैं जो क्या करते हैं, सूचनाएँ देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। डाटा क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप याद कर ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंकड़े संख्याओं के वे समूह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित की जाती है, यानी सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाने वाली संख्याएं डाटा कहलाती हैं। आंकड़ों के प्रकार बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है, आता है। प्राथमिक आंकड़े और गौण या द्वितीयक आंकड़े, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। नाम से स्पष्ट है, प्राथमिक यानी वो आंकड़े जिसे संकलनकर्ता खुद घर जा कर के या किसी अन्य माध्यम से स्वयं इकट्ठा करता है, वो सूचनाएं, वो आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। यानी इसमें क्या होगा, ये एक तो सबसे पहले आप खुद उस डाटा को लेने जा रहे हो, इसका मतलब वो मौलिक होंगे। उसकी विशेषता होती है कि प्राथमिक डाटा क्या होते हैं, मौलिक होते हैं। दूसरा क्या होता है, इसमें उस संकलनकर्ता का समय भी नष्ट होता है, धन भी नष्ट होता है, वो खुद जा कर के उसको संकलित करता है। तो किसी सर्वे के माध्यम से प्राप्त आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कोई सर्वे हो रहा है, जनसंख्या का सर्वे हो सकता है, और भी जैसे अभी कोरोना काल में किस किसने टीकाकरण करवाया, वैक्सीनेशन हुआ, उस किसका नहीं हुआ, इतने साल की उम्र के 60 प्लस के लगने हैं, 18 प्लस के लगने हैं, इस तरह का जो वो सर्वे हुआ था वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। इसे क्या करता है, अध्ययनकर्ता स्वयं इकट्ठा करता है। दूसरा होता है गौण आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, यानी ये आंकड़े क्या होते हैं, इन पर डिपेंड होते हैं। ये संकलनकर्ता को रेडीमेड मिलता है, सॉरी संकलनकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़ों को, जो द्वितीयक उसको फैसिलेटर जो होता है, जो देखता है या उन आंकड़ों को उसमें से छांटता है, वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। यानी ये पूर्व में एकत्रित किए जाते हैं, जैसे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, सर्वाधिक घनत्व वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले, तो ये सब क्या है, वो फिर उसमें से फिल्टर करके जो आंकड़े निकालते हैं, हाँ इसमें से ये बेनिफिट, ये इसमें से ये ज़्यादा है, ये कम है, इसमें और इसकी ज़रूरत है, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी डाटा हो जाता है। सेकेंडरी डाटा हम कहाँ से लेते हैं, बहुत सी पत्र पत्रिकाएँ, शोध वगैरह जो पहले किया जा चुका है, जो डाटा, प्राथमिक डाटा जो इकट्ठे हो चुके हैं, उनमें से संकलन करना, उनमें से लेना। यानी कि इसमें संकलनकर्ता घर घर नहीं जाता है, स्वयं जाता नहीं है, बल्कि वो पूर्व में रेडीमेड डाटा को यूज करता है वो, और उस डाटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। ये आंकड़े पूर्व में एकत्रित किए जाते हैं, किसी अध्ययन मात्र में इसका उपयोग होता है और शोधकर्ता के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है साधारण ब्याज, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये याद कर ले, में साधारण ब्याज का सूत्र है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। माध्य का सूत्र, माध्य का मतलब समांतर माध्य, माध्य भी आ जाता है तो भी उसको समांतर माध्य से लेना है। इसे इस चिन्ह द्वारा, एक्स बार द्वारा दर्शाया जाता है समांतर माध्य को, ये चिन्ह है एक्स बार। इसका सूत्र है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, जो औसत का सूत्र होता है वो इसका होता है,
इसको अपन ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन का मतलब आंकड़ों की संख्या। एक आता है प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किन किन विधियों से किया जाता है, तो कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो प्राथमिक आंकड़े संकलन, यानी कि नाम से स्पष्ट है प्राथमिक आंकड़े अपन ने पढ़े थे, प्राथमिक आंकड़ों में क्या होता है, देखो प्राथमिक आंकड़े संकलन करता स्वयं जाता है, अब वो कैसे इकट्ठा करता है, कौन कौन सी विधियों को अपना सकता है, तो वो विधियाँ अपन इसमें पढ़ रहे हैं। तो नंबर एक आता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि, यानी कि यहाँ क्या होगा, खुद जो संकलन करता है वो व्यक्तिगत जाएगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार करेगा, वहाँ स्वयं जा करके उस व्यक्ति से सूचनाएं कलेक्ट करना, यानी प्रत्यक्ष जाना। एक होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत किसे कहेंगे, जैसे हम किसी के घर गए वहाँ पर वो नहीं मिला था, हम उनके पड़ोसियों से पूछेंगे जो, पर उसमें ध्यान रखें कि वो उसका ऐसा नहीं कि जो उसे द्वेषता रखता हो गलत सूचनाएं दें, इसका भी जो संकलन करता है वो ध्यान रखेगा। तीसरा आता है संवाददाताओं से प्राप्त सूचनाएं, जो संवाददाता है यानी कि जैसे कोई अखबार का संवाददाता है, पत्र पत्रिका का संवाददाता है, वो डाटा कलेक्ट करता है डायरेक्ट, वो भी एक सूचना संवाददाताओं से भी प्राप्त की जा सकती है। एक होता है डाक द्वारा, कोई भी क्वेश्चनरी बना के, कोई भी एक प्रश्न बना करके, प्रश्नावली बना करके हम बाय पोस्ट भेजते हैं, फिर उस पर खालिस्तान छोड़ देते हैं, प्रश्न देके खालिस्तान छोड़ देते हैं, वो उसका जवाब उसमें देता है, तो वो क्या होता है डाक द्वारा प्रश्नावली। ये कुछ विधियां हैं जिससे प्राथमिक आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है। एक प्रश्न आ सकता है, एक कक्षा में 20 छात्रों ने गणित में 100 में से निम्नांकित अंक प्राप्त किए, तो इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। 20, 40, 20, 50, 60, 20, 40, 60, 60, 75, 80, 60, 70, 65, 66, 60, 80, 90 और 60। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। तो बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ तो वैल्यू लिखोगे, यहाँ अपन लिखेंगे वैल्यू या अंक जिसको बोलते हैं प्राप्तांक, यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह और यहाँ लिखेंगे बारंबारता, इसे कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। अब देखो प्राप्तांक सबसे पहले अपन ले लेते हैं 20 को ले लेते हैं, 20 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 3 बार, तो इसके अपन मिलान चिन्ह ऐसे करेंगे 1, 2, 3, ये मिलान चिन्ह हो गया, इसके बाद बारंबारता इसकी 3 हो गई, ठीक है। फिर आते हैं अपन इससे ठीक बड़े हैं 40, 1, 2, 2 बार आए हैं, तो 40 की बारंबारता हो जाएगी 2। अब लेते हैं अपन 40 के बाद ये आ गए 50, 50 कितनी बार आए हैं, 1 बार, तो 50 की बारंबारता 1 हो जाती है। अब लेते हैं अपन 60, 60 कितने बार आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 60 हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 5 को ऐसे करेंगे, 5 और ये 6, 10 आ जाते हैं, तो ऐसा का ऐसा इधर और बना देंगे, है ना, तो ये 6 हो गए, ये 6 इसकी बारंबारता हो गई। 60 से बड़े हैं अपने 70, तो 70 कितने हैं, 1, 2, 2, सो 70 की बारंबारता हो जाएगी 2। 70 के बाद लेते हैं अपन 75, 75 कितने हैं, तो 75 भी मेरे को 1 लग रहे हैं, ये 1 हो गई। 75 के बाद इससे ठीक बड़े 80 हैं, तो 80 कितने हैं, ये 2 हैं, तो 80 की बारंबारता हो गई 1, 2, ये 2, ये मिलान चिन्ह हैं, इनको ध्यान से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं मिलान चिन्ह, 10 के मिलान चिन्ह बताओ। अब आता है सॉरी, यहाँ अपन देखो 65 और 66 को भूल गए हैं, ये अपने आप में सिंगल हैं, तो यहाँ अपन चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपन ऐसा करते हैं इसको 2, 1, 2 है ना ये, तो 70, 75, 80,
70, 75 और 80 इनकी बारंबारता है 2, 1, 2 2, 1, 2। बीच में अपन चूक गए थे 65, यहाँ 65 देखो, 65 की है, एक ही लग रहा है मुझे 65, तो ये एक हो गई। फिर देखो 66, 66 की बारंबारता भी एक ही है, और लगभग लगभग देखो सब कवर हो चुके हैं। अब अपन नीचे क्या करते हैं, इनकी जोड़ लगा देते हैं। नीचे क्या करते हैं, तो यहाँ n बराबर देखते हैं कितने हुए, 3, 2, 5, 6, 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हुए। इसका मतलब कहीं फिर अपन चूक गए हैं कोई संख्या, तो आप 3, 2, 5, 6, 7, 8, 10 और 9 हुए हैं। तो 20 को देखो, 20 कितनी बार है, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3 करेक्ट हैं, 3 आगे। चलो अपन एक भूल गए थे, देखो 90 को भूल गए थे, यहाँ 90 लिख दीजिएगा। 90 कितनी बार है, 90 की बारंबारता है 1, तो n बराबर अब अपने पास आ गए इधर 20। टोटल संख्या थी अपने बच्चों की 20। इसको बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी, इसका नाम है बारंबारता बंटन सारणी। ये परीक्षा में बहुत बार आ चुका है और इसको इसके आने के चांसेस हैं। इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, इसको ऐसे बना सकते हैं जैसे 10 से लगाकर 20 के कितने अंक हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हम इसे भी इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं। ये लिख लिया, अब जैसे 10 से 20 है, 10 से 20 में अपन लेते हैं कि 10 से बड़ा और 20 से छोटा, तो इसमें एक भी अंक नहीं आएगा। फिर 20 से 30 देखेंगे, ऐसे भी अपन देख सकते हैं, वो भी बना के बता देता हूँ मैं, बारंबारता बंटन सारणी। क्यों, क्योंकि ये परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, बारंबारता बंटन सारणी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे ये छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है अपने को। अब देखो इसको दूसरे उस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, ऐसे भी कि वर्ग बना करके 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से 100, ऐसे भी अपन इसको कर सकते हैं, ये थोड़ा सरल रहता है। अब देखिए 10 से 20 में अपन देखते हैं तो एक भी संख्या नहीं है, तो 0, इसकी बारंबारता हो जाएगी 0, इसकी बारंबारता हो जाएगी 0। और अपन चाहे तो इसको और थोड़ा 10 से 20 की जगह अपन 10 से 30 का भी ले सकते हैं, 10 से 30 भी ले सकते हैं। चलो इसमें कुछ नहीं है, बारंबारता इसकी 0 हो गई। 20 से 30 में देखो, यानी कि इसमें क्या गिनते हैं अपन, 10 से बड़ा और 20 से छोटा, यानी कि 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इसको गिनते हैं अपन, तो इसमें कुछ भी नहीं है। 20 से 30 देखो, यानी 20 से बड़ा, क्योंकि इस 20 को अपन ने इसमें काउंट कर लिया, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसमें 19 तक की संख्याएं लेते हैं, इसमें 29 तक लेंगे, इसमें 39 तक लेंगे, इसमें 49 तक लेंगे, तो देखो 20 से बड़ी, 20 एवं 20 से बड़ी और 30 से छोटी, यानी 29 तक लेंगे अपन। तो 20 से 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसमें इसकी बारंबारता हो जाएगी 1, 2, 3, 3। अब अपन 20 से 30 हो गया, अब 30 से 40 वाला देखते हैं, यानी 30 से बड़ा और 39 से कम, 30 से बड़ा, तो 30 से बड़ा देखो, इसमें शायद मुझे कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि इसकी भी बारंबारता क्या हो गई, 0। 40 से 50, 40 से 50 के बीच में देखते हैं, तो 40 से बड़ा और 50 से कम, तो 40 से बड़ा 1, 2, 2, तो इसकी हो जाएगी बारंबारता 2। फिर आता है 50 से 60, 50 से 60, तो ये 50 से बड़ी और 60 से कम,
तो 50 से बड़ी में एक संख्या ही मुझे दिखाई दे रही है, तो हम एक लगा देंगे, ये इसकी बारंबारता हो जाएगी। फिर आता 60 से 70 में 60 से बड़ी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, इसमें सात आ गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, ये सात हो गई। अब 70 से 80 के बीच में देखो, 70 से 80 तो एक, दो, तीन, तीन इसमें, एक, दो, तीन, ये तीन आ गए इसमें। 80 से 90 तो अपने 80 से ऊपर ले, एक, एक संख्या एरिए किए, दो, ये दो संख्या। अब आता है 90 से 100 तो 90 से 100 में ले आप 90 90 90, एक, एक और ये एक, इनको वापस गिनते हैं देखो, 3 2 5 6 6 और 7 13 13 3 16 17 18 19, फिर एक का डिफरेंस आ गया। तो इसमें देखो अपन कहाँ चूक गए, किसके अंडरलाइन नहीं हुई, ऐसे पकड़ लेना आप, ये देखो 60 में अंडरलाइन नहीं हुई, यानी कि एक 60 की संख्या को अपन भूल गए थे। तो 60 वाले में अपने को क्या करना है, 60 से 70 में कितने आए थे, सात आए थे ना, तो अपने को क्या करना है, 8 कर देना है यहाँ पे। इस तरीके से आप मिलान करना, इस तरीके से आप क्या करोगे, ऐसे मिलान करोगे तो आपका आंसर सही जाएगा। मैंने इसलिए चूक चूक के किया कि ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ हम चूके हैं, इसलिए इसको अंडरलाइन करते चलें ताकि गलतियाँ नहीं होगी, या गोला भी कर सकते हैं अपने हिसाब से रफ कॉपी में इधर। तो ये इस तरह का प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, आप याद कर ले। मैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आता हूँ बहुत जल्दी। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।